अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है और इसका यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो आइए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसकी कंपोजिशन क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट टाइम कैलिगर नामी साइंटिस्ट ने 1850 के अंदर देखा था। ये अपने एमसीक्यूज़ के लिए याद कर लेना है। माइटो का मतलब होता है थ्रेड, कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल, यानी इसकी ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती है, राउंड दाने की तरह स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, थोड़ी सी इलॉन्गेटेड भी होती है और थ्रेड अपीयरेंस इसके अंदर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इनर मेम्ब्रेन थ्रेड अपीयरेंस दे रही है, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया पुकारा जाता है। कंपोजिशन की तरफ चलते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया हम देखते हैं प्रोटीन, लिपिड, आरएनए और डीएनए से मिलकर बना होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन भी आपको मिलेगी, लिपिड भी मिलेगा, आरएनए भी मिलेगा और डीएनए भी मिलेगा। इसके अलावा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंड डीएनए दे आर नोन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और राइबोसोम भी होता है, राइबोसोम क्या करता है, डीएनए को ट्रांसलेट करता है इनटू प्रोटीन, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली कहा जाता है। यानी इसको रेप्लिकेट होने के लिए, अपने आप को डिवाइड करने के लिए न्यूक्लियस से इंस्ट्रक्शंस नहीं लेनी पड़ती, ये अपने ही डीएनए से इंस्ट्रक्शंस लेकर रेप्लिकेट होता है, इसलिए इसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली कहा जाता है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पर आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसे आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है और इसकी अपीयरेंस और लुक जो है वो स्मूद होती है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इसकी जो दूसरी मेम्ब्रेन है उसे इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि वो इनसाइड प्रेजेंट होती है इसलिए उसे इनर मेम्ब्रेन कहा जाएगा, और वो कन्व्यूलेटेड इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक कन्व्यूलेटेड इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है दो। एक कंपार्टमेंट होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान का जो रीजन है उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाएगा। इसके कुछ फंक्शंस हैं, ये हम सेलुलर रेस्पिरेशन में स्टडी भी करेंगे। जो दूसरा कंपार्टमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है वो है मैट्रिक्स, यानी इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो रीजन है, दरमियान का जो रीजन है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। और मैट्रिक्स में मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको नज़र आएंगी, यहाँ पर रेड कलर में हम कह सकते हैं राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स के अंदर, इसके अलावा डीएनए भी प्रेजेंट होता है, इसके अलावा कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं और इनके कुछ वेरियस फंक्शंस होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में। फंक्शन की तरफ चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्वड इन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड होता है और फूड के अंदर जितनी एनर्जी है वो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और सेल जो है उस एटीपी को यूटिलाइज़ करता है फॉर वाइटल एक्टिविटीज़, फंक्शन करने के लिए एटीपी को यूज़ करता है। इसीलिए इस बेस पर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम भी दिया जाता है जिसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल का पावर हाउस है, यानी सेल एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से लेता है। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। क्विकली रिव्यू कर लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर होती है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डेड होती है। दो कंपार्टमेंट्स होते हैं इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान के रीजन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। इसमें कुछ एंजाइम्स, साल्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जबकि इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो रीजन है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है, जहाँ पर राइबोसोम, एंजाइम्स, डीएनए वगैरह आपको मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन, लिपिड, डीएनए और आरएनए का कम्बिनेशन होता है और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली है, यानी खुद ही डिवाइड होता रहता है, इसे बाहर से इंस्ट्रक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन में हमने स्टडी किया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होता है, यानी सेल को जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है बाय ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और उनके अंदर से जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ की जाती है। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने अगले लेक्चर में हम क्लोरोप्लास्ट की स्टडी करेंगे और उसके बाद हम एंडोसिम्बियोंट थ्योरी को स्टडी करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।